तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। देखिए सेमेस्टर 4 में जितने भी लोग एग्ज़ाम दिए थे, देख लीजिए कितने कितने सही होते हैं। और साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लाइफ सेक में लाइफ स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। और विशेष रूप से ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा डिफरेंट है, हटके है भीड़ से। तो अच्छी बात है कि आप कुछ डिफरेंट करने की सोच रहे हैं, डिफरेंट पढ़ने की सोच रहे हैं। इसका आंसर भी आपको डिफरेंट मिलेगा, मतलब कि अगर आप सिंपली नेट्स में सर्च मारिएगा तो नहीं मिलेगा। तो देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। समय 1.5 घंटा होता है, फुल मार्क्स 40 होते हैं और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और क्वालिफाइंग होता है पेपर को पास करने के लिए आपको। देखिए 40 मार्क्स का इस पेपर में और 10 नंबर जो इंटरनल हुआ था आपके कॉलेज में, कुल मिलाकर 50 मार्क्स का यह पेपर होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 20 मार्क्स लाना होता है, 20 नंबर लाना होता है इस पेपर में, ठीक है। सैक के किसी के भी पेपर में, सैक में चाहे आप कोई भी रखे हो, लाइफ साइंस, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर डाइवर्सिटी या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सब में या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 20 मार्क्स पासिंग मार्क्स होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रतिबद्धता क्या है, व्हाट इज कमिटमेंट। हम लोग बोल देते हैं कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, वो डायलॉग याद है ना। तो प्रतिबद्धता इंग्लिश में है कमिटमेंट क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है कि किसी को निराश न करने का वादा या प्रतिज्ञा, दूसरा है एक उपहार रखने के लिए, तीसरा है किसी को नीचा दिखाने का दावा या प्रतिज्ञा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग कमिटमेंट मतलब क्या होता है, वादा या प्रतिज्ञा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 1, यह किसी को निराश न करने का वादा या प्रतिज्ञा है, ठीक है। लेट इज अ प्रॉमिस और प्लेज टू नॉट लेट समवन डाउन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो इसका आंसर आपको अपने माइंड से ही करना होगा, इसका कोई फैक्चुअल आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 2 नंबर कि कौन सा प्रतिबद्धता का उदाहरण नहीं है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमिटमेंट। तो कौन सा कमिटमेंट का एक उदाहरण नहीं है, वादा का एक उदाहरण नहीं है। देखिए पहला है कि चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है, ठीक है, चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर करता है। 2 नंबर है शादी कर लेना या राजीव अजीब है। 3 नंबर है एक साथ काम करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना। ऑप्शन D है उपरोक्त में सभी। तो इनमें से कौन सा है जो प्रतिबद्धता को उदाहरण नहीं है। तो हम लोग कमिटमेंट कर देते हैं कि शादी करना तो कमिटमेंट है जी, किसी को आप कमिटमेंट कर दिए, ठीक है। चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर होना, ये भी आप कमिटमेंट कर सकते हैं। एक साथ काम करना और एक दूसरे को चोट पहुंचाना, ये कमिटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका C ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। देखिए 100% यहाँ पे कंफर्म आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है संभावित आंसर ही आपको यहाँ पे एग्जैक्ट मिलेंगे। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें पूछा गया है कि जीवन कौशल की अवधारणा क्या है, बताना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल। देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है जीवन की बेहतर गुणवत्ता का प्रबंधन और जीवन जीना, जीवन कौशल की अवधारणा, ठीक है, जीवन की बेहतर गुणवत्ता का प्रबंधन और जीवन जीना। तो जहाँ तक मुझे लगता है यही आंसर राइट आंसर होना चाहिए, मैनेजिंग एंड लिविंग बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर है खराब जीवन का प्रतिबंधन, खराब जीवन का प्रबंधन करना और जीना, मैनेजिंग एंड लिविंग वर्स्ट लाइफ। 3 नंबर है स्वस्थ रखने के लिए, 2 नंबर है उपरोक्त सभी। यार तो इसका राइट आंसर ना उपरोक्त सभी होना चाहिए, जीवन की जो अवधारणा है 2 नंबर होना चाहिए, ज़्यादा बेटर है ऑप्शन D उपरोक्त सभी, ठीक है। खराब जीवन का प्रबंधन करना, जीना, स्वस्थ रहना, क्योंकि स्वस्थ रहना भी इसमें शामिल हो जाता है। आगे देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि कोई भी कौशल जो आपके जीवन में उपयोगी है,
एनी स्किल दैट इज यूजफुल इन योर लाइफ। तो क्या कहते हैं उसको, जब कोई भी कौशल आपके जीवन में उपयोगी होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं जीवन कौशल, लाइफ स्किल। ठीक है, लाइफ स्किल बोलते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर, इसमें पूछा गया है कि स्वॉट विश्लेषण, स्वॉट एनालिसिस क्या होता है वो बताना है। संचरित योजना विधि, असंचरित योजना विधि, उद्यमय योजना विधि, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन 1 होना चाहिए, संचरित योजना विधि। इंग्लिश में है कि अस्ट्रक्चर्ड प्लानिंग मेथड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि अंतर आत्मा भावनात्मक भागफल, अंतर आत्मक अंतरात्म यार अंतरनात्मक, ठीक है, भावनात्मक भागफल, तो इसका क्या राइट आंसर होना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का कुल स्तर, आपके मूल को पहचानने और समझने की क्षमता, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर मूड। सी नंबर है उपरोक्त दोनों और डी नंबर है ऑप्शन में से कोई भी नहीं। तो मुझे तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया, देखिए आप लोग रखे होंगे तो अच्छे से समझ रहे होंगे। डिन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि आत्मविश्वास क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। आत्मविश्वास मतलब कि एक प्रकार का मनोभाव का दशा होता है। पहला है कि स्वयं के प्रति एक मनोभाव, दूसरा है दूसरे के प्रति एक मनोभाव, तीसरा है स्वयं के प्रति बद्धता, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश को पढ़िए ज़्यादा बेटर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, स्वयं के प्रति पद्धत, ए नंबर या सी नंबर। सी नंबर में है कि कमिटमेंट टुवर्ड सेल्फ, और ए नंबर है स्वयं के प्रति एक मनोभाव। तो इसका राइट आंसर ज़्यादा बेटर होगा, स्वयं के प्रति एक मनोभाव एंड एटीट्यूड टुवर्ड द सेल्फ। हम लोग सोचते हैं कि हाँ, मतलब होते हैं ना कि आत्मविश्वास, हाँ यार मेरे अंदर यह विश्वास है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, बोलते हैं ना। 8 नंबर है आत्मसम्मान क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। देखिए अपने आप में गर्म और गर्म यार गर्म बोल रहा हूँ गर्व और विश्वास, प्राइड एंड कॉन्फिडेंस इन ऑन सेल्फ, या फिर अन्य में गर्व एवं विश्वास, या समाज में गर्व और विश्वास, या उपरोक्त में से सभी। आत्मसम्मान बोलते हैं दोस्तों किसको, तो जब हम लोग का सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होता है ना, अपने आप में गर्व और विश्वास, इसको बोलते हैं आत्मसम्मान। क्या आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए भाई, चाहे कोई भी काम हो यार, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वैसा काम नहीं करना है, अपने जो गर्व है ठीक है उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, अपनी अंतरात्मा को। 9 नंबर है कि निजी स्वच्छता क्या है, पर्सनल हाइजीन क्या होता है। तो पर्सनल हाइजीन में हम लोग खुद की परवाह करते हैं, यानी कि केयर अबाउट हिम सेल्फ, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि सौंदर्य का अभिप्राय है, सौंदर्य का अभिप्राय क्या है, ग्रूमिंग मीन्स। तो सौंदर्य का अभिप्राय है जीवन, पहला है कि कुछ एक के लिए साफ सुथरा दिखना, नहीं यार ये नहीं है। बी नंबर है किसी के लिए लंबी उपस्थिति, नहीं ये भी नहीं है। जीवन का परिवर्तन, और डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। तो सौंदर्य का अभिप्राय है जीवन का परिवर्तन, चेंज ऑफ लाइफ, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है कि ड्रेस कोड क्या होता है, ड्रेस कोड क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, पहला है सर्दी के लिए मानक सेट, नहीं जी ड्रेस कोड, विकास के लिए गाइडलाइन, सी नंबर जीवन की गति, और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो ड्रेस कोड क्या होता है, वर्दी के लिए मानक सेट, इसी को बोलते हैं ड्रेस कोड, सेट ऑफ अ स्टैंडर्ड फॉर यूनिफॉर्म। देखिए क्या है कि रात के 9:30 बजने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे पढ़ रहा हूँ, और इसलिए प्रोनाउंसेशन में भी गलती हो जा रहा है क्योंकि क्लियरली नहीं बोल पा रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन कौशल का महत्व है, इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ स्किल,
क्या होता है इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ स्किल? पहला है कि जीवन कौशल का महत्व क्या है? बढ़ती गति और आधुनिक जीवन में परिवर्तन। बी नंबर है तनाव और हताश से निपटने की क्षमता। सी नंबर है उपरोक्त दोनों, और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यार मैं इस वीडियो को सुबह को कंप्लीट करूँगा, अभी मतलब शोर हो रहा है तो मुझे लग रहा है अच्छा नहीं है। ठीक है, सुबह को वीडियो आपको दे दूँगा। तो वेलकम है दोस्तों, हजरात 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 वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हाजी देखिए, मैं रात को वीडियो बना रहा था इसलिए वीडियो को रोक दिया था। ठीक है, अब सुबह को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। यार उस टाइम क्या होता है कि रात को धीरे धीरे बोलना होता है, मुझे पसंद नहीं है यार उस आवाज। चलिए जो भी हुआ, 13वां नंबर क्वेश्चन है कि जीवन कौशल क्या है, व्हाट इज लाइफ स्किल। देखिए पहला है कि संचार यानी कि कम्युनिकेशन, दूसरा है गहन सोच यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा है सीखना यानी कि लर्निंग, प्रोसेस ऑफ लर्निंग हो सकता है यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया, और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि स्वॉट विश्लेषण का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन में है। पहला है कि आंतरिक और बाह्य कारक पहचाने, बिल्कुल होना चाहिए। बी नंबर है सामाजिक कारक की पहचान करें। सी नंबर है राजनीतिक कारक की पहचान करें। डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है ना, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है निचले स्तर पर जो मानव संबंध महत्वपूर्ण है, निचले स्तर पर जो मानव संबंध महत्वपूर्ण है बताना है। पहला परिचालन, ठीक है, दूसरा है आपका तकनीकी, तीसरा है मानवीय संबंध, और चौथा है उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका तो मुझे मालूम नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मैं केवल अपना सजेशन दे रहा हूँ, आंसर आपको फाइंड आउट स्वयं करना है, क्योंकि मैं इसका कोई बहुत बड़ा महारथी नहीं हूँ, ठीक है, इस सब्जेक्ट का। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि मध्यम स्तर पर जो मानव संबंध कौशल महत्वपूर्ण है वह क्या है। एट मिडिल लेवल विच ह्यूमन रिलेशन स्किल आर इम्पोर्टेंस। तो पहला ऑप्शन है आपका संकल्प कौशल, दूसरा है मानव कौशल, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? उपरोक्त दोनों। मैं केवल अपना सजेशन दे रहा हूँ, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम स्तर पर जो कौशल महत्वपूर्ण है वह क्या है, संकल्पना कौशल, मानवीय कौशल, या फिर तकनीकी कौशल, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग सर्च कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने के माध्यम से प्राप्त बुनियादी कौशल एक सेट का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। देखिए पहला है जीवन जीने की कौशल, लाइफ स्किल। ऑप्शन टू है मानव कौशल यानी कि ह्यूमन स्किल। ऑप्शन थ्री है परिचालन कौशल। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 19 नंबर है कि कौशल के मूल्य हैं, द वैल्यू ऑफ स्किल आर। देखिए चार स्किल हैं, पहला है अपने अधिकार एवं जिम्मेदारी से अवगत, दूसरा है अपने अधिकार और जिम्मेवारी से अनजान, तीसरा है उपरोक्त दोनों, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि यह अनुकूली और संरचनात्मक व्यवहार के लिए मनोवैज्ञानिक क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन वन है जीवन जीने का कौशल, ऑप्शन टू है संकल्पना कौशल, ऑप्शन थ्री है अवसर कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, तो पूछा गया है कि स्वॉट विश्लेषण क्या है, स्वॉट एनालिसिस इज। पहला है प्रक्रिया, दूसरा है प्रतिक्रिया, तीसरा है प्रेरणा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो पूछा गया है कि समय प्रबंधन एवं नौकरी, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, नौकरी का इंटरव्यू देना, ठीक है, गेटिंग अ जॉब इंटरव्यू, और खाना पकाना कुकिंग, फिर है गाड़ी चलाना, ये सभी किस प्रकार की क्रिया है वो पूछा गया है, या आजीविका है। तो ये सभी किस प्रकार के काम है, आजीविका कौशल ऑप्शन वन है, ऑप्शन टू है स्वॉट कौशल, ऑप्शन थ्री है परिचालन कौशल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं।
23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर, कि एक अवधारणा जो एक व्यक्ति या संस्कृति के विश्वास का वर्णन करती है, ठीक है, क्या है वो बताना है। मानव यानी कि मान यानी कि वैल्यू, या फिर मूल्य भी बोल सकते हैं आप लोग, वैल्यूज या वर्च्यूज जो भी बोलना चाहे इंग्लिश में। बी नंबर है आचार विचार यानी कि एथिक्स। 3 नंबर है कानून यानी कि लॉ। और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ द अबव। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा गया है, यह असंतुलित जिज्ञासा है जो दूसरे इंसान की गहरी समझ की ओर ले जाती है, ठीक है। इंग्लिश में है कि इट इज बैलेंस्ड क्यूरियोसिटी लीडिंग टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। तो यह असंतुल सॉरी संतुलित जिज्ञासा है जो दूसरे इंसान की गहरी समझ की ओर ले जाती है, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, पहला है इम्पैथी यानी कि सहानुभूति, दूसरा है सैम्पैथी यानी कि संवेदना, ऑप्शन 3 है व्यवस्थित, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। क्या बोलते हैं जी इसको, देख लीजिएगा, मुझे तो पल्ले नहीं पड़ रहे, सही बता रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है कभी, मैं केवल क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सामूहिक गुण या लक्षण जो एक व्यक्ति को अलग करते हैं क्या कहलाते हैं। कलेक्टिव क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश अ पर्सन, तो उसको क्या कहते हैं, चरित्र बोलते हैं। सामूहिक गुण या लक्षण जो एक व्यक्ति को अलग करता है अन्य व्यक्तियों से, नैतिक व्यवहार, नैतिकता या उपरोक्त सभी, क्या बोलते हैं जी, देख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सोचना आलोचना नहीं है, सोचना आलोचना नहीं है बल्कि सकारात्मक और रचनात्मक सोच के लिए सोच के बीच की कड़ी है। थिंकिंग इज नॉट क्रिटिसिज्म बट इट्स लिंक बिटवीन पॉजिटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो इसको क्या बोलते हैं, गहन सोच या मानसिक तस्वीर, मेंटल पिक्चर, या फिर नैतिकता, मोरलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और उपरोक्त सभी, क्या बोला जाता है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि स्वयं अवधारणा का संबंध स्तंभ है क्या है, स्वयं अवधारणा का स्तंभ क्या है। द पिलर ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहला है आत्मसम्मान, दूसरा है आत्म प्रभावकारिता, ऑप्शन 3 है उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं की छवि सुधारने के तरीके, वे टू इम्प्रूव सेल्फ इमेज, ठीक है, स्वयं की छवि सुधारने का तरीका, बिगड़ा है क्या छवि सुधारिएगा, देखिए किसी किसी का बिगड़ जाता है, नियत खराब हो जाता है ना। खुश होकर जागो या फिर दुखी व्यक्ति, या फिर नियम और संबंध, या फिर इनमें से सभी। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास का अभिप्राय क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स, हम लोग बोलते हैं यार इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो चरम पर है यार, क्षमताएं, कैपेबिलिटी, संभावनाएं, ठीक है, पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, और सी नंबर है दुख से प्यार, और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो कैपेबिलिटी होना चाहिए, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो बोलना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि नैतिकता मुख्यतः के साथ संबंध है, किसका संबंध है। एथिक्स डील प्रीमेरिटली विथ, तो एथिक्स का जो डील है प्रीमेरिटली विथ किसके साथ है, सामाजिक दायित्व के साथ यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, ऑप्शन बी है असामाजिक व्यवहार के साथ यानी कि अन सोशियल बिहेवियर के साथ, ऑप्शन सी है सामाजिक अपराध के साथ, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं 31st क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि खराब संचार कौशल, पुअर कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बताना है। लेखन कौशल में कमी, बोलने की कौशल में कमी, जी हाँ यही होना चाहिए यार, लैक ऑफ स्किल इन स्पीकिंग, ठीक है, बोलने की कमी। देखिए बोलते वक्त एक चीज है कि हम लोग इंग्लिश बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरते हैं, विशेष रूप से जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, यार जो बोलना है बोलिए, गलत बोल रहे सही बोल रहे डोंट थिंकिंग अबाउट इट यार, ठीक है, कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, कौन सा पढ़ा यहाँ पे सही और गलत का पहचान करने वाले, अगर आप बोलते बोलते ही सही हो जाता है, ठीक है, छोटा बच्चा थोड़ी सोच के बोलता है कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, उसी तरह बच्चा बनता है थोड़ा सा, अगर आपको कुछ भी चीज़ को कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना है। तो 32 नंबर है अंतर्मुखी व्यक्ति, ठीक है,
इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी वाले जो कि अपना व्यवहार किसी को बताते नहीं है जल्दी, मतलब अपनी बारे चीज को बताएंगे, हम लोग बोलते हैं अंतर्गढ़िया है, भीतर मनिया है आदमी, किसी को बताता नहीं है, क्या बोलता है अंतर्मुखी। और एक होता है बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब सब कुछ बता देता है, जैसे कि मैं सब कुछ डील कर देता हूँ लोगों के साथ यार, जो भी अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो भी मेरे लाइफ में चल रहा है वो सारा कुछ मैं डील कर देता हूँ, तो मैं बहिर्मुखी हूँ। एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति कौन होता है, अपने कमरे में अकेले रहते हैं, नहीं, अपने कार्यालय में अकेले रहते हैं, नहीं, अपने परिवार में अकेले रहते हैं, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाता है इंट्रोवर्ट का, क्या हो जाएगा यार, अपने कमरे में अकेले रहते हैं या अपने कार्यालय में अकेले रहते हैं, यार ऑप्शन डी होना चाहिए, उपरोक्त सभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए जो अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखता है, किसी अन्य व्यक्ति तक नहीं फैलाता है, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। लक्ष्य हमें मदद करता है, गोल हेल्प अस टू, ठीक है। लक्ष्य हमें कहाँ पे मदद करता है, किसके लिए, संवाद में, प्राप्त करने में, इच्छा में, या उपरोक्त सभी में। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, लक्ष्य सभी में मदद करता है, बोलने में, प्राप्ति करने में, इच्छा में, ठीक है, डिजायर वगैरह सारा कुछ। 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व लक्षण क्या है, पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है। पहला है अनुभव के लिए खुलापन, ठीक है, अनुभव के लिए खुलापन ऑप्शन टू है, सीखने के लिए खुलापन ऑप्शन थ्री है, ड्राइव के लिए खुलापन और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है कि हर उस समुदाय के अच्छे नागरिक होने की इच्छा है जिसमें हम काम करते हैं, ठीक है, विश टू बी गुड सिटीजन ऑफ एवरी कम्युनिटी इन विच वी ऑपरेट। तो हर उस समुदाय के अच्छे नागरिक होने की इच्छा है जिसमें हम काम करते हैं, क्या है, योजना, व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन, या फिर संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, या फिर उपरोक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लॉक में रचनात्मक सोच को रोकते हैं, ब्लॉक में रचनात्मक सोच को रखते हैं, क्या रोकते हैं जी, ठीक है, ब्लॉक दैट हिंडर, हाइंडर या हिंडर जो भी पढ़िएगा यार, क्रिएटिव थिंकिंग। पहला ऑप्शन है भावनात्मक, ऑप्शन टू है गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी, ऑप्शन थ्री है इच्छा यानी कि डिजायर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और तीन ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उन स्थितियों को शामिल किया जाता है जिन्हें कुछ प्रमुख विशेषताओं में विघटित किया जा सकता है, इट इन्वॉल्व्स सिचुएशन दैट कैन बी डिकम्पोस्ट इनटू सर्टेन की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो इनमें उन परिस्थितियों को शामिल किया जाता है, इनमें से किसकी परिभाषा दिया गया है जिसमें से कुछ प्रमुख विशेषताओं में विघटित किया जा सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ परिभाषा दिया गया है, आपको बताना है कि किसकी परिभाषा है। ऑप्शन वन है विशेषता लिस्टिंग सूचीकरण की, ऑप्शन टू है सूचीकरण की गुणवत्ता लिस्टिंग, ऑप्शन थ्री है सूचीकरण की तर्कसंगत लिस्टिंग, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन कौशल की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल। पहला है जीवन को, जीवन का अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत, स्किल नीड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। आगे देखते हैं तो बी नंबर क्वेश्चन है कि जीवन को सुचारू रूप से बचाने के लिए कौशल की आवश्यकता होती है, स्किल नीड टू मेक द लाइफ स्मूथली। सी नंबर है जीवन कौशल जीवित रहने में मदद करता है, स्किल विच हेल्प टू सर्वाइव, एंड डी नंबर है उपरोक्त सभी। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कैरियर क्या है, व्हाट इज कैरियर, ठीक है। कैरियर यार, कैरियर इस सब जो है ना बहुत डेंजर शब्द है, कैरियर साइकिल का कैरियर नहीं, बस जीवन का कैरियर। ऑप्शन वन है किसी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवधि के लिए और प्रगति के अवसरों के साथ किए गए व्यवसाय, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशन अंडरटेक फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एंड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस। बी नंबर है व्यक्ति के जीवन में प्रगति न करने के लिए किया गया व्यवसाय, ऑप्शन थ्री है खुशी के लिए एक व्यवसाय, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतिम क्वेश्चन है
मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के लहूलुहान हो गए होंगे मेरी तरह। यार मालूम नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है बॉस, हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे, बाउंस कर जा रहा है। सकारात्मक सोच का प्रभाव, इफेक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? तनाव को कम करने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा को रोके। बी नंबर है तनाव को कम करने के लिए नकारात्मक आत्मचर्चा को रोके। सी नंबर है तनाव कम करने के लिए चर्चा को रोके। और डी नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये था आपका, तो जितने भी लोग रखे होंगे मैं तो कहूँगा यार अजीब है यह सब्जेक्ट, क्या आप बोले इसके बारे में, मुझे खुद नहीं पता है, तो आप लोग को क्या सजेशन देंगे। ठीक है, तो जो भी है इसी तरह से मैं आपको वीडियो देता रहता हूँ, तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। एंड आज का वीडियो तो अजीब लगा होगा, डेफिनेटली मुझे कुछ नहीं आता है दोस्तों, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैं केवल पढ़ने की तरह, एक पाठक की तरह, मैं रीडर की तरह पढ़ दिया हूँ। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।